बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एलेवन जी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मुखातब मोहम्मद सईद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल एलेवन जी मार्केटिंग। आज मैं इस टाइम G13-2 में खड़ा हूँ। 30-60 का मकान है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, मार्गला फेस है ये घर। आज मैं आपको विज़िट कराने आया हूँ। आए घर अंदर से और बाहर फ्रंट से विज़िट करते हैं। अगर ये इसके फ्रंट की मैं बात करूं तो फ्रंट एलिवेशन देखिए बहुत ही खूबसूरत है, मार्बल लगा के और ये ग्रिल ब्लैक कलर की लगा के, वाइट कलर की लगा के बहुत ही इसको खूबसूरत किया गया है फ्रंट एलिवेशन को। इसी तरह ही अगर मैं इसकी रैंप की बात करूं तो ये ब्लैक और रेड कलर का रैंप है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह अगर मैं लॉन की बात करूँ तो ये छोटा सा लॉन है, काफ़ी अभी तो ये घर नया तैयार हुआ है, बिल्कुल ब्रैंड न्यू घर है और आज हम इसको विज़िट करने आए हैं और अपने सार्फिन को इसको दिखाने के लिए आए हैं कि ताकि ये घर देखें। पूरी वीडियो देखोगे इस घर के अंदर की डिटेल भी पता चलेगा, इसकी डिमांड भी पता चलेगी, किस तरह का नक्शा बना हुआ वो भी पता चलेगा। तो ये प्रॉपर दो गाड़ियों की पार्किंग है यहाँ पे, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मोटर भी लगी हुई है, बोरिंग भी हुई हुई, और ये पानी वाला टैंक है, फुल भरा हुआ है पानी वाला टैंक जिसमें पानी स्टोर हो जाता है आपके घर के लिए। इसी तरह ही अब पहले G13 में सप्लाई के बहुत इश्यूज़ थे, अब सप्लाई का इश्यू जो है वो सॉल्व ख़त्म हो चुका है, अब पानी G13 में बहुत आता है। और ये है एक डक जो पूरे घर के अंदर वेंटिलेशन रखती है, यहाँ पे आप लॉन्ड्री भी कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ यहाँ पे आप गाड़ी वॉश करने के लिए पानी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये गेट है ड्राइंग रूम का और ये गेट है ग्राउंड प्लस अपर पोर्शन का। और अगर मैं लकड़ी की बात करूँ तो लकड़ी का डिज़ाइन देखें, आप खुद देखें, बहुत ही अच्छा आउट क्लास लकड़ी का डिज़ाइन बना हुआ है इसके अंदर, लकड़ी का काम बहुत अच्छा हुआ है। अगर मैं हैंडल लॉक की बात करूं तो ये भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। अगर मैं इसकी चिगाट की बात करूं तो ये लकड़ी की चिगाट है और लोहे की नहीं है, कुछ लोग लोहे की चिगाटें लगाते हैं, कुछ लोग लकड़ी की लगाते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कॉरिडोर है छोटा सा जहाँ से आपकी सीढ़ी जो है राइट साइड पर ऊपर जाती है अपर पोर्शन पर, और साथ ही नीचे छोटा एक पाउडर वाशरूम है जो कि छोटा सा है, लेकिन ये है कि बाहर के लिए यूज़ करने के लिए ये इनफ है, बहुत है ये। अभी हम चलते हैं घर के अंदर ग्राउंड पोर्शन में। ग्राउंड पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ से ग्राउंड पोर्शन का गेट एक अलग हो जाता है, अपर पोर्शन का अलग हो जाता है और ग्राउंड पोर्शन का इस गेट को अलग हो जाता है। ये डिपेंड करता है, अगर आपने रेंट पर देना है तो ठीक है, अगर आपने खुद ही यूज़ करना है तो फिर तो ये गेट यूज़ करें या ना करें आपकी मर्ज़ी। इस टाइम मैं सिटिंग एरिया में आ चुका हूँ। सिटिंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये देखें यहाँ पे अलमारियाँ वगैरह बनी हुई हैं, रैक बने हुए हैं जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। इसी तरह ही यहाँ पे नीचे भी सारे रैक्स बने हुए हैं और ये है प्रॉपर LCD के लिए जगह, बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर लगा हुआ है। इसी तरह अगर मैं फ़र्श की टाइल की बात करूँ तो फ़र्श पर टाइल भी गोल्डन कलर का, बीच में पीस लगा हुआ जिस तरह का गोल्डन कलर होता है उस तरह का। और अगर मैं इसके सीलिंग की बात करूँ, फनूस, पंखे, लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत हुई हुई है। और साथ ही अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूं तो ये देखें ड्राइंग रूम का गेट है, यहाँ पे आपका ये गेट डोर अगर आप ऑन बंद कर देंगे तो आपका ड्राइंग रूम सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ग्लास की और लकड़ी की, सॉलिड लकड़ी लगी हुई, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ, बहुत ही अच्छा काम हुआ हुआ है। ये वो गेट है जहाँ से आपका गेस्ट इन होगा और यहीं से आउट हो जाएगा। इसी तरह ही यहाँ पे ये विंडोज लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए और ग्रिल लगी हुई है सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे भी देखें ये बना के इसको अपना लाइटिंग लगा दी है, वॉलपेपर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी 3 लाइट लगी हुई हैं, वॉलपेपर लगा हुआ गोल्डन कलर का, यहाँ पे भी लकड़ी का फ्रेम बना के लगा दिया है, इसके अंदर लाइट लगा दी है। ये सारा कुछ जो है ना ये बेसिक खूबसूरती के लिए किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी टाइल की तो वाइट कलर की टाइल लगी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही, पूरे घर में एक जैसी टाइल लगी हुई है। अभी हम चलते हैं ग्राउंड पोर्शन के पहले बेड में, मैं आपको ग्राउंड पोर्शन का बेड विज़िट कराता हूं पहला। इसकी भी अगर मैं बात करूं, जैसे मैं घर कमरे के अंदर इंटर होता हूं तो मुझे सामने जो है ये विंडोज़ मिलती है वेंटिलेशन के लिए, ग्रिल लगी हुई है सेफ्टी के लिए, यहाँ पर प्रॉपर आपका बेड आ जाएगा। देखिए मैं आपको आजकल बताऊँ, सस्ते बेड बनाएँ अपने घर के अंदर, ये ताजनुमा बना हुआ है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चौकटा बनाएं और बेड रख दें, उसके ऊपर अच्छे वाला मैट्रेस रखें, सस्ता भी पड़ता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है।
इसी तरह ही यहाँ पे भी देखें अलमारियाँ बनी हुई हैं, हैंडल ब्लैक कलर के लगे हुए हैं और लसानी की शीट लगी हुई है। इसी तरह ही इस गेट के पीछे इसका वाशरूम आता है, गेट ये इसका वाशरूम है। इसके अंदर फैसल की जो फिटिंग हुई हुई वो फैसल की हुई हुई है। फैसल एक ब्रांड है, बहुत अच्छी फिटिंग है, ये बहुत अच्छे लॉन्ग टाइम चलते हैं। इसकी सर्सरी जो है वो काफ़ी महंगी है। अभी हम चलते हैं ग्राउंड पोर्शन के दूसरे बेड में। ग्राउंड पोर्शन में जैसे ही मैं इंटर होता हूँ तो मेरे सबसे सामने, जैसे रूम में इंटर होते हैं तो अलमारियाँ आ जाती हैं। ये तीन पल्लों की अलमारी है, यहाँ पे आप कपड़े फोल्ड करके रख सकते हैं, इस्त्री करके रख सकते हैं, ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये देखें खूबसूरत करने के लिए इसको लाइटिंग लगाई गई है। और अगर मैं इसकी सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग भी बहुत ही खूबसूरत और हर कमरे की डिफरेंट कलर की सीलिंग है। और अगर मैं बात करूँ विंडोज़ की तो वेंटिलेशन के लिए ये विंडोज़ है और ये है अपना ग्रिल जो है सेफ्टी के लिए। इस रूम से आप यहाँ से बाहर चले जा सकते हैं जहाँ पे लॉन्ड्री भी कर सकते हैं और काफ़ी बड़ी चौड़ी जगह होती है, और आप अपना गीज़र वगैरह या आउटडोर एसी। ये है जी वाशरूम। वाशरूम की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंट कलर की टाइल और अपना सीट इंग्लिश लगी हुई है, प्रॉपर बहुत ही अच्छा वाशरूम तैयार किया हुआ है। अभी हम चलते हैं ग्राउंड पोर्शन का किचन विजिट कराते हैं। ये है जी ग्राउंड पोर्शन का किचन। जब मैं इंटर होता हूँ तो ये सामने देखें बर्तन धोने की भी जगह है और यहाँ पे भी रैक्स बने हुए हैं। ये विंडोज़ बनी लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए और ये है बर्नर लगा हुआ, ये हुड लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगाया गया। और ये रैक वगैरह इसके बने हुए हैं यहाँ पर, और ये भी रैक्स हैं और यहाँ पे भी आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं। ये था ग्राउंड पोर्शन जो हमने आपको विज़िट कराया है। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन पे, आप लोगों को अपर पोर्शन इसका विज़िट कराते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ सीढ़ी की तो देखें ये सीढ़ी के साथ स्टील का लगा हुआ है साइड पे, और जो मार्बल लगा हुआ वो भी बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ। इसी तरह साथ विंडोज़ है, ये वेंटिलेशन और ग्रिल लगी हुई है सेफ्टी के लिए। ये सीढ़ी के ऊपर विंडोज़ बनी हुई है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके घर में रोशनी रहती है। इस टाइम मैं अपर पोर्शन पे पहुंच चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो कार पार्किंग वाली जगह है वो आपको विज़िट कराता हूं। छोटा सा रूम है, इसको आप एज ए गेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, एज ए स्टडी भी, और बच्चों के दो रूम, बच्चों दो बेड लग सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं वाशरूम की बात करूँ तो ये इसका वाशरूम है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए विंडोज़ लगी हुई है इस रूम में, काफ़ी बड़ी विंडोज़ लगी हुई है और ग्रिल लगी हुई है सेफ्टी के लिए। ये रूम एक्स्ट्रा है जो कार पार्किंग के ऊपर बनता है, नीचे कार पार्किंग होती है, ऊपर ये रूम बन जाता है। अभी हम चलते हैं घर के अंदर। जैसा मैंने नीचे से बताया था कि घर के अंदर के लिए ये गेट जो है आप लॉक कर दोगे, अगर आपका सर्वेंट छत पर जाना चाहता है तो आपके घर की प्राइवेसी ख़राब नहीं होगी और आप इस गेट को लॉक कर दोगे। जैसा मैंने नीचे बताया था इसी तरह देखिए लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर की लगी हुई है, सीलिंग में भी लाइटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। ये प्रॉपर एलसीडी के लिए जगह, यहाँ पे भी लाइटिंग हुई हुई है, रैक्स बने हुए हैं, सारे रैक्स बहुत ही वाइट कलर की लसानी शीट लगी हुई है। और इसी तरह ही ये ड्राइंग रूम जैसे नीचे था उसी तरह ही यहाँ पर भी इस डोर को आप लॉक कर दोगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, ड्राइंग रूम खुला रहेगा तो वो आपकी चॉइस है। इस ड्राइंग रूम में भी सामने विंडोज़ है, काफ़ी बड़ी विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए और ग्रिल लगी हुई सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे भी देखें डिफरेंट कलर का वॉलपेपर लगा हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर लाइटिंग लगी हुई, साइड पे लकड़ी का फ्रेम बना के इसको, ये बेसिक काम होते हैं जो खूबसूरत किया जाता है घर को। ये काम हर बंदे की चॉइस पर नहीं होते, लेकिन हर जो जिसकी चॉइस होती है वो इस तरह के घर बनाते हैं, लोगों को इस तरह के घर पसंद भी आते हैं। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन के दूसरे बेड में। एक बेड मैंने आपको विज़िट कराया है जो कार पार्किंग के ऊपर है, ये बेड प्रॉपर है, जैसे नीचे विज़िट कराया था इसी तरह ही ये प्रॉपर बेड है। यहाँ पे भी देखिए विंडोज़ लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए और ग्रिल लगी हुई है सेफ्टी के लिए। इसी तरह यहाँ पर भी वॉल पेपर लगा के इसको खूबसूरत कर दिया है। और यहाँ पर अलमारियाँ हैं, यहाँ पर आप कपड़े इस्त्री करके रखें, फोल्ड करके रखें, ये आपके लिए अलमारियाँ यूज़ है। और ये है इसका वाशरूम,
दरवाजे के मेन डोर की बैक साइड पे इसका गेट बनता है वॉशरूम का। और ये वॉशरूम में हर वॉशरूम में डिफरेंट कलर की टाइल्स और इंग्लिश सीट, वॉश बेसिन, फैसल की फिटिंग हुई हुई है। इसी तरह ही अभी हम अपर पोर्शन के तीसरे बेड में इंटर होते हैं। जैसा नीचे बताया था मैंने, उसी तरह ही सामने अलमारियाँ हैं। 3 पीसेज में अलमारी है और लसानी की शीट लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, यहाँ पे भी वॉलपेपर लगा के, लाइटिंग लगा के इसको खूबसूरत किया गया है। और ये है विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए। सीलिंग की बात करूँ तो इसकी भी सीलिंग और पंखा जो है ना, पंखे तो सारे एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड है, सीलिंग का डिज़ाइन अलग अलग है। और ये इसका वाशरूम है। वाशरूम में सारी फिटिंग जो है वो फैसल की हुई हुई है। इंग्लिश सीट लगी हुई, वॉश बेसिन लगा हुआ है और हर चीज़ प्रॉपर वाशरूम के अंदर लगी हुई है। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन के किचन में। एक एक चीज़ अलग बताने का मकसद ये कि घर बैठे आपको पता हो कि हमने जो चीज़ देख रहे हैं वो कौन सी जगह पे हैं। अभी हम इसी तरह ही सामने भी देखें, ये रैक्स बने हुए लसानी के। बेसिक ये अपर पोर्शन का किचन है। और ये है बर्तन धोने के लिए जगह। और ये विंडोज लगी हुई, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, हुड लगा हुआ है। मतलब हर चीज़ किचन के हिसाब से, अमेरिकन स्टाइल के हिसाब से ये रेडी किया गया किचन है। ये था हमारा ग्राउंड और अपर पोर्शन। अभी हम चलते हैं इसकी छत पे। आए, मैं आपको इसकी छत विजिट कराता हूँ। छत पे भी देखें, ग्रिल लगी, स्टील की लगी हुई है। और ये स्टील की लॉन्ग टाइम होती है, ख़राब नहीं होती, जंग नहीं लगता इसको। हम ये छत पे पहुँच चुके हैं। ये छोटा सा स्टोर है, यहाँ आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। और ये लोहे वाला गेट है जो बाहर छत पे जाता है। आए, हम छत विजिट करते हैं। छत पे जब हम आते हैं तो चिप्स लगी हुई है यहाँ पे। और इसी तरह ही बहुत ही बड़ा रूम है, सर्वेंट रूम। ये मैं आपको विजिट कराता चलूँ। यहाँ देखिए वॉशरूम है, यहाँ पे भी अलमारियाँ बनी हुई है। ये वॉशरूम है, ये टाइल लगा के, पंखा लगा के इसको बेहद खूबसूरत कर दिया। इसी तरह ही यहाँ पे पानी वाली टैंक है, काफ़ी बड़ा पानी वाला टैंक है। लॉन्ड्री है, आप अपना कपड़े धो सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको 3060 का G32 में घर विजिट कराया। अगर इसकी मैं डिमांड की बात करूं तो 6,70,00,000 रुपया इसकी डिमांड है। 3060 का घर है। यहाँ ज़ाहिर है सेक्टर बहुत खूबसूरत सेक्टर है ये। अगर मैं इसकी सेक्टर की खूबसूरती की बात करूँ तो ये दूसरे नंबर पर खूबसूरती में इस्लामाबाद में आता है। तो मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पर मुझसे रابطہ करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।